मध्य प्रदेश का किसान बहुत खुश है। दरअसल सरकार ने फसलों की खरीदी शुरू कर दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसान परेशान ना हो, किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा और ओलावृष्टि से हुई क्षति की भरपाई भी सरकार करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं, चना और सरसों की फसल की खरीदी शुरू कर दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, मैं किसानों को बधाई देना चाहता हूं, सरकार ने गेहूं, चना और सरसों सहित अन्य फसलों की खरीदी शुरू कर दी है। मैं किसानों से वादा करता हूं कि उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने फसलों की खरीदी की जानकारी देते हुए ट्वीट भी किया। ट्वीट में कमल पटेल ने यह भी कहा कि लाडली बहना के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। कमल ग्राम मसन गांव की जय श्री राम। चलो, आज से चना सरसों मसूर गेहूँ की खरीदी प्रारंभ हो रही है। उस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत किसान भाइयों को बधाई देता हूँ कि इंद्र देवता की कृपा रही, अपने यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके लिए आप सब नर्मदा माई की जयकार लगाएंगे। एक बार बोलो नर्मदा मैया की। पहले किसान कौन है, तिलक होना क्या नाम है, भैया बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बधाई। आप सौभाग्यशाली हो, पहले किसान बने हो। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।